हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Redmi 12 Pro Plus 5G फ़ोन का कैमरा में प्रो मोड कैसे यूज़ करें। यहाँ फ्रेंड्स, वैसे तो प्रो मोड आजकल सभी मोबाइल में आने लगा है, तो प्रो मोड मोबाइल फ़ोन का कैसे यूज़ कर सकते हैं और उससे प्रो मोड को यूज़ करके आप जो है DSLR जैसा पिक अपने फ़ोन से ले सकते हैं। प्रो मोड में क्या बेसिक फंक्शन है, क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और अगर टेक एंड इन्वेस्टमेंट चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के तरफ और देखते हैं कैमरा के प्रो मोड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम नाइट में भी प्रो मोड यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि मोबाइल फ़ोन का प्रो मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रो मोड सिर्फ Redmi 12 Pro Plus 5G फ़ोन पे ही नहीं लागू होता है, बल्कि Redmi 12 Pro 5G फ़ोन पे भी लागू होगा और बाकी सब जितने भी फ़ोन हैं जिसमें प्रो मोड इनेबल है कैमरा के ऑप्शन में, वो सभी में आप जो है प्रो मोड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने कैमरा में आ जाना है, Redmi 12 Pro Plus 5G फ़ोन हो चाहे Redmi 12 Pro या कोई से भी फ़ोन हो जिसमें प्रो मोड इनेबल है, यहाँ पे आपको प्रो मोड पे जाना है और यहाँ पे अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 50 MP पे जो हो रहा है तो इसको हमने क्लिक कर दिया है। तो अब प्रो मोड में फ्रेंड्स, ये वाइट बैलेंस, उसके बाद फोकस, शटर स्पीड, ISO, EV और लेंस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो वाइट बैलेंस में फ्रेंड्स, आपको डिफरेंट तरीके के लाइटिंग कंडीशन यहाँ पे शो होंगे, बाकी आप मैन्युअली भी वाइट बैलेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन चेंज हो रहा है, आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आप लाइटिंग कंडीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फोकस को वाइट बैलेंस, चलिए ऑटो हम अभी हम कर देते हैं, फोकस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी फोकस भी ऑटो रहने दीजिए। बाकी शटर स्पीड मेन आता है फ्रेंड, अब ये 1/60 है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम शटर स्पीड को बढ़ाते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपके कैमरा के लेंस में लाइट कम आ रहा है। यहाँ फ्रेंड्स, कैमरा के लेंस में लाइट कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी 1/25 है, अगर कोई चल रहा है तो उसका पिक आपको लेने के लिए शटर स्पीड कम से कम 1/25 रखना पड़ेगा और लाइटिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपको ISO को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जो है लाइट का कंडीशन आपका इंक्रीज होगा और पिक जो है ब्राइट दिखेगा। लेकिन ISO बढ़ाने से पिक्चर का जो क्वालिटी है, पिक का क्वालिटी, वो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आप अगर शटर स्पीड बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर ब्राइटनेस इन्वायरमेंट है तब वहाँ पे आप शटर स्पीड बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं, या तो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका पिक लेना है तब आप जो है शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। अभी 1/25 है, अभी ये हैप्पी बॉल है, चलिए इसको ऐसे ऐसे मूव करते हैं और पिक लेते हैं, देखते हैं कि कैसा आता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये अभी इस तरह का पिक आया है। अगर आप इसको और क्लियर चाहते हैं तो शटर स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 160 कर दिए, 125 कर दिए, और ISO को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1/250 शटर स्पीड हो गया और ISO मैक्सिमम कर दिए। अब चलिए इसको पिक लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी थोड़ा सा क्लियर पिक आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शटर स्पीड जितना ज़्यादा आप बढ़ाइएगा लाइट उतना लेंस में आपका कम आएगा, और मूविंग ऑब्जेक्ट जितना तेज मूव कर रहा है
उसी हिसाब से आपका पिक आएगा और उसी हिसाब से आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई चल रहा है चलते वक्त अगर आपको पिक लेना है तो 125 या 160 काफ़ी है। बर्ड वगैरह का पिक लेना है तो 1/500 भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शटर स्पीड को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपके कैमरा के लेंस में लाइट कम आएगा, उसको मेंटेन करने के लिए आपको ISO को चेंज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ISO को बढ़ाने से आपका पिक्चर क्वालिटी कम होता है, तो अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छा है तो ISO उतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा। चलिए 120-160 कर दिए। जैसे 160 की ये देखिए कितना ब्राइट हो गया, तो अब इसको ISO को हम घटाते हैं तो ये फिर नॉर्मल पे आ जाएगा, जैसा एडजस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेंस है, लेंस वाइड और अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हैं, ये तो अलग चीज़ हो गया। तो मेन काम यही है शटर स्पीड का, या तो लाइटिंग कंडीशन पुअर है, आपको लाइट बढ़ाना है आपके अपने कैमरा में और बिना पिक्चर को डिस्टॉर्शन हुए, तो आप प्रो मोड यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, लाइटिंग कंडीशन काफ़ी पुअर है और यहाँ पे आप कैमरा देख सकते हैं, और Redmi 12 Pro प्लस 5G फ़ोन का आप क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स बिल्कुल डार्क कंडीशन है लेकिन पिक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो बहरहाल हम इस वीडियो में प्रो मोड एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रो मोड पे आपको जाना है। अगर नाइट में आपको पिक लेना है तो आपको शटर स्पीड को कम करना है। यहाँ फ्रेंड्स 1/15 या 1/8, लेकिन तब अगर आप एक ट्राइपॉड से पिक लेंगे तो ज़्यादा बेटर पिक आएगा। जितना आप कम करेंगे उतना लाइट जो है आपके कैमरा के लेंस में आएगा, और यहाँ पे ISO को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं घटाने पे जो है लाइट और कम हो जा रहा है, तो आपको ISO को और बढ़ाना पड़ेगा। शटर स्पीड 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड टाइम लेगा ये पिक लेने में, तब तक आपको बिल्कुल नहीं हटाना है, मोबाइल को हिलाना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम लिया, अब जो है पिक ये खींचा, तो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा पिक है। तो आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा हमें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेक इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।